पहले सोनिया गांधी और अब राहुल गांधी। ऑगस्टा स्कैम की जांच कांग्रेस के दो सबसे टॉप लीडर्स तक पहुंच चुकी है। बीजेपी सांसद किरीट सोमैया की लिखी है वही चिट्ठी है, जिसके बाद ऑगस्टा स्कैम में राहुल गांधी का कनेक्शन भी जोड़ा जा रहा है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट और सीबीआई को लिखी किरीट सोमैया की इस चिट्ठी के मुताबिक ऑगस्टा डील में जिस गाइडो हॉस्के ने बिचौलिए का काम किया है, वो सितंबर 2009 तक सीडब्ल्यूजी घोटाले में आरोपी कंपनी एमआरएमजीएफ का डायरेक्टर था। लेकिन इस घोटाले का पर्दाफाश होने के बाद गाइडो हॉस्के ने एमआरएमजीएफ से इस्तीफा दे दिया था। सोमैया के मुताबिक एमआरएमजीएफ राहुल गांधी के राजनीतिक सचिव रहे कनिष्क सिंह के परिवार की कंपनी है। एमआरएमजीएफ राहुल गांधी से उनके मित्र से संबंधित कंपनी में, वो हेलीकॉप्टर घोटाले का हस्के भी डायरेक्टर था। यह वही हस्के है कि जिनकी और मिचेल की पार्टनरशिप, जिनको 360 करोड़ रुपया अगस्टा वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर कंपनी ने दिए। तो ये पूरा इटली टू इटाली, इटली टू इंडिया, ये सर्कल पूरा हो रहा है। ये बात मैं पार्लियामेंट में भी उठाने वाला हूँ। हिंदुस्तान जानना चाहता है, राहुल गांधी इसका जवाब दे। कनिष्का के निकट रिश्तेदार के कंपनी है और ये सारे लोग जो इन्वॉल्व थे, हास्के और गौतम चैतन कैतान, ये सब डायरेक्टर बने हैं, तो ये क्यों बने हैं? और कनिष्का का और राहुल का रिश्ता तो हम नेशनल हेराल्ड की केस से जानते हैं। किरीट सोमैया ने अपनी चिट्ठी में ये भी कहा है कि ऑगस्टा घूसकांड के आरोपी गाइडो हॉस्के का सीडब्ल्यूजी घोटाले के आरोपी कंपनी एमआरएमजीएफ में डायरेक्टर होना और एमआरएमजीएफ कंपनी के राहुल गांधी के करीबी कनिष्क सिंह के परिवार का होना महज संयोग नहीं है, इसीलिए इस लिंक की जांच जरूरी है। देखिए, किरीट सोमैया और सुब्रमण्यम स्वामी, ऐसे लोगों को आप लोग सीरियसली लेते हैं तो आपकी समस्या है। किरीट सोमैया सुब्रमण्यम स्वामी अपनी राजनीतिक दुकानदारी चलती रहे, इसके लिए किसी पर कोई आरोप लगा दे सकते हैं। इस पूरे मामले में कनिष्क सिंह ने अपनी सफाई में कहा है कि किरीट सोमैया के आरोप पूरी तरह राजनीतिक है और अगर उनके पास कोई सबूत है तो दिखाने से क्यों बच रहे हैं। जबकि किरीट सोमैया का आरोप है कि अगस्ता घूसकांड और सीडब्ल्यूजी घोटाले के लिंक की आशंका उन्होंने 2013 में ही जताई थी, लेकिन केंद्र में कांग्रेस की सरकार होने की वजह से मामला उठ नहीं पाया। आपको ये भी बता देते हैं कि जिन कनिष्क सिंह की वजह से अगस्ता घोटाले में राहुल गांधी का कनेक्शन ढूंढा जा रहा है, वो लंबे अरसे से राहुल गांधी के करीबी और उनके टॉप एडवाइजर रहे हैं। कनिष्क सिंह के पिता एस के सिंह पूर्व विदेश सचिव थे। कनिष्क सिंह रियल एस्टेट कारोबारी और एमआर ग्रुप के मालिक श्रवण गुप्ता के कजन भी हैं। लेकिन सवाल ये है, जब 2013 में ही किरीट सोमैया को इस बात की आशंका थी तो एनडीए के सत्ता में आने के बाद से अब तक इसकी जांच क्यों नहीं करवाई गई? इन्हीं सवालों पर सबसे बड़े एनालिसिस के लिए सीधे चलते हैं जी बिजनेस स्टूडियो में। नमस्कार, मैं हूं गौरव अग्रवाल। सवालों में कांग्रेस के दो सबसे टॉप लीडर हैं, क्योंकि ऑगस्टा स्कैम में पहले सोनिया गांधी और अब राहुल गांधी का कनेक्शन जोड़ा जा रहा है। लेकिन सवाल यह भी है कि आखिर क्यों एक के बाद एक सिर्फ कांग्रेस की टॉप लीडरशिप या उनसे जुड़े लोगों का नाम इस डील में सामने आ रहा है। हालांकि राहुल गांधी का एंगल उठाने वाले किरीट सोमैया ने साफ कहा है कि उन्हें 2013 में ही इस कनेक्शन की आशंका हो गई थी। तो सवाल यहां भी है, आखिर दो सालों में एनडीए सरकार ने इसकी जांच क्यों नहीं करवाई? इन्हीं मुद्दों पर आज है हमारी बिग स्टोरी बिग डिबेट, ऑगस्टा का राहुल कनेक्शन। मेरे साथ एक बहुत ही खास पैनल है, उनसे हम इस मुद्दे पर बात करेंगे। उससे पहले कुछ और तथ्य आपके सामने रखते हैं, दोबारा आपको इन तथ्यों के बारे में बताते हैं और फिर हम अपने पैनलिस्ट के पास जाएंगे। राहुल गांधी पर ऑगस्टा की आंच विद अ क्वेश्चन मार्क। किरीट सोमैया ने ईडी और सीबी को चिट्ठी लिखी है। गाइडो हॉस्के 2009 तक एमआरएमजीएफ का डायरेक्टर था, यह कहा गया है। ऑगस्टा डील में हॉस्के ने बिचौलिए का काम किया,
ZWG यानी कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाले में MR-MGF आरोपी कंपनी है। ZWG घोटाले का पर्दाफाश होने के बाद हैश्के ने कंपनी से इस्तीफा दे दिया था डायरेक्टर पद से। कनिष्क सिंह जिनका नाम आ रहा है, जो राजनीतिक सलाहकार या बहुत करीबी सलाहकार है राहुल गांधी के, उनके परिवार की कंपनी है MR-MGF, ये कहा है किरीट सोमैया ने। ये किरीट सोमैया ने आरोप लगाया है। राहुल गांधी के राजनीतिक सचिव रहे हैं कनिष्क सिंह, और अगस्ता डील और CWG घोटाले के लिंक की जांच हो, ये भी कहा है किरीट सोमैया ने अपनी चिट्ठी में। कनिष्क सिंह कौन है जल्दी से ये भी जान लेते हैं, क्योंकि उनके आसपास से पूरा मामला आ चुका है। राहुल गांधी के राजनीतिक सचिव रह चुके हैं और गांधी परिवार के काफी करीबी सलाहकार हैं, लंबे अरसे से राहुल गांधी के करीब रहे हैं। राजीव गांधी फाउंडेशन का काम भी देखते हैं कनिष्क सिंह, और राजनीति में आने से पहले इन्वेस्टमेंट बैंकर थे कनिष्क। इसके अलावा कनिष्क के पिता SK सिंह पूर्व विदेश सचिव थे। कनिष्क सिंह के पिता राजस्थान के राज्यपाल भी थे। MR-MGF के MD श्रवण गुप्ता के कजन है कनिष्क, और इसी एंगल पर सवाल उठा दिया किरीट सोमैया ने। कनिष्क के पिता MR-MGF के प्रमोटर थे, तो कनिष्क कहीं ना कहीं MR-MGF से संबंध रखते हैं, और MR-MGF में हैश के डायरेक्टर थे, ये आरोप लगाया है किरीट सोमैया ने। और अब पूरी जांच, अब पूरा मामला अब राहुल गांधी के आसपास आ चुका है, और राहुल गांधी का नाम अब सोनिया गांधी के नाम के बाद इस पूरे मामले में आ रहा है, उन पर भी आरोप लग रहे हैं। मेरे साथ GVL नरसिम्हा राव है BJP से, राजीव त्यागी है कांग्रेस से, राजीव रंजन है JDU से, और RK मल्होत्रा है डिफेंस एंड सिक्योरिटी एक्सपर्ट, जिनसे हम बात करेंगे इस मुद्दे पर। आप सभी का बहुत स्वागत है। और राजीव त्यागी, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगा, पहले सवाल सोनिया गांधी पर उठा और अब तो राहुल गांधी पर सीधे इस पूरे मामले में सवाल उठ गए हैं, क्या प्रतिक्रिया कांग्रेस की? देखिए, बड़ी हास्यास्पद, घिनौनी, धूर्तपूर्ण भरी एक्टिविटी है भारतीय जनता पार्टी की, फोटोशॉप जो इनकी एक विंग है उसकी। अगर आप देखेंगे तो इसमें पाएंगे अगस्ता वेस्टलैंड में कि जिसमें हमने बेसिकली एक ऑर्डर दिया अगस्ता वेस्टलैंड को, उस ऑर्डर में जब हमें पता चला कि इसमें रिश्वत दी गई है, उस ऑर्डर को हमने कैंसिल किया, CBI जांच में चले गए। CBI जांच 2013 में की गई। CBI जांच का नंबर है 2172013800003। ये 12/3/2013 को कांग्रेस पार्टी ने CBI जांच के लिए गई। उसके बाद JPC मांग, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमीशन की हमने मांग की, कमेटी की मांग की, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उस कमेटी मानने को तैयार नहीं हुई। हमने पूरा ऑर्डर स्क्रैप कर दिया। जो पैसा दिया था 2014 में, वो पैसा भी वापस आ गया। 1620 करोड़ रुपए दिए थे उसके। राजीव त्यागी सवाल यहाँ पर के बकाया था। 2068 करोड़ रुपए हमने वापस लिए। राजीव त्यागी, कनिष्क सिंह कांग्रेस में है, राहुल गांधी के करीबी है कनिष्क सिंह, ये मानते हैं आप कांग्रेस के? देखिए, मैं आपसे कहना चाहूंगा, बहुत से लोग बाग अपने पुराने काल में, जैसे भाई कोई लॉटरी का काम कर रहा हो तो उस लॉटरी वाले की जांच थोड़ी होगी। अब तो जो लॉटरी वाले का संबंध अगर कांग्रेस की टॉप लीडरशिप से हो जाएगी तो जांच तो करवानी पड़ेगी ना, क्योंकि मामला देश के साथ हुए धोखे का है सर। नहीं, लॉटरी वाले के संबंध आप ही जांच करिए, आपके यहीं पे हैं लॉटरी वालों के संबंध। चावल के व्यापारी भी आपके यहीं पे हैं। नहीं, आप क्या कह रहे हैं मेरे समझ में नहीं आ रहा, लेकिन जो मैं कह रहा हूं आप समझना नहीं चाह रहे। अब बात, मैं कंप्लीट कर दूं? बात जो है मुद्दे पे आते हैं सर। कनिष्क सिंह जो कि राहुल गांधी के काफी राजनीतिक करीबी रहे, राजनीतिक सलाहकार रहे, उनकी कंपनी MR-MGF पर हैश्के को डायरेक्टर बनाने का आरोप है, जो इस पूरे मामले में बिचौलिए हैं और कोर्ट में उसने स्वीकारा है, तो इसकी जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, ये बात बताइए आप। देखिए, 2013 में, हाँ मैं उसी पे आ रहा हूं, 2013 में किरीट सोमैया जी ने इस बात को 2013 में भी उठाया था। 14, 15, 16 तीन साल करीब करीब हो गए हैं और इसमें कहीं कोई निर्णय नहीं आया है, और 2014 से लेकर 16 तक 2 साल मोदी सरकार हो गई है। हम एक मांग करते हैं मोदी सरकार से, हम इटालियन कोर्ट पे नहीं जाते, हम किसी अन्य संस्था पे नहीं जाते। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के पास CBI है, अन्य और संस्थाएं हैं, क्यों नहीं वो जांच करती? क्यों नहीं दूध का दूध पानी का पानी करती? मैं तो ये कहना चाहूंगा कि इटालियन नाविकों को छोड़ने के एवज में प्रधानमंत्री मोदी और भारतीय जनता पार्टी ने कितना पैसा लिया है, ये जांच का विषय होना चाहिए। चलिए ठीक है, इस सवाल का जवाब आप कह रहे हैं तो जीवन ले लेंगे, लेकिन जीवन है और इटालियन एक आरोप तो आप पर है। ये सुहासनी है, ठीक है, सुहासनी हैदर जो की बेटी है सुब्रमण्यम स्वामी की, उनकी इनपुट पे वो स्टोरी छपी है
जिसमें प्रधानमंत्री मोदी और इटली के प्रधानमंत्री की मुलाकात का हवाला दिया गया है न्यूयॉर्क में 24-25 सितंबर 2015 में। चलिए जो बात आप कह रहे हैं इस बात का जवाब हम लेंगे, लेकिन मुद्दे पर आते हैं पहले। जीवीएल एक बड़ा वाजिब सवाल उठाया है राजीव त्यागी ने, इसके अलावा दूसरे कांग्रेस नेता भी उठा रहे हैं और कुछ और इंटेलेक्चुअल भी उठा रहे हैं कि 2000 का किया जा रहा है। राजीव त्यागी आपके सवाल का जवाब ले रहे हैं, मछुआरों की नाव जान चली गई, हमारे मछुआरे जान जो है वो जान की कोई कीमत नहीं है। जवाब तो लेने दीजिए ना राजीव त्यागी, जवाब तो लेने दीजिए, मुझे पूछ लेने दीजिए। उसमें कौन स्टोरी करेगा, क्या आप स्टोरी करेंगे? अब आप बताएंगे हमें कि हमें कौन सी स्टोरी करनी है कौन सी नहीं करनी, जो स्टोरी आज है उस पर तो आप जवाब दे नहीं पाए। राजीव त्यागी मुझे जवाब सवाल पूछ लेने दीजिए। राजीव त्यागी पैनल डिस्कशन मुझे मॉडरेट करने दीजिए, मॉडरेट मुझे करने दीजिए और सवाल मुझे पूछने दीजिए और मैं आपके पास आऊंगा और अपना पक्ष रखिएगा। अलग तरफ जा रहे हैं आप। जीवीएल मैं आपको लाऊंगा, जीवीएल मैं आप ही का सवाल उठा रहा था लेकिन आपने बीच में दूसरी बात कर दी। जीवीएल सवाल आपके ऊपर भी उठ रहे हैं, राजीव त्यागी भी उठा रहे हैं इस बात को। हालांकि कांग्रेस के एक और बड़े नेता, बहुत बड़े नेता कहें या सबसे बड़े नेता में से एक, राहुल गांधी पर भी आज सवाल उठे हैं, लेकिन सवाल आपके नेता पर भी उठे हैं, किरीट सोमैया पर। किरीट सोमैया खुद कह रहे हैं 2013 में उनके पास ये सारे मामले के संकेत आ रहे थे या उनके पास सबूत थे कि कनिष्क सिंह का इस पूरे मामले से लेना देना है, जो कि राहुल गांधी के राजनीतिक सचिव रह चुके हैं। सवाल है अब क्यों ये पूरा मामला उठाया जा रहा है, क्या मकसद केवल पॉलिटिकल माइलेज है? 2 साल तक आपको ये चीज़ नहीं दिखाई दी? देखिए जब इतना बड़ा कोई खुलासा हो जाता है, मेरा ऑडियो वापस आ रहा है मेरे पास, इसको थोड़ा फिक्स कर लीजिएगा, मैं ठीक करवाता हूँ। और जब इतना बड़ा खुलासा हो जाता है, ये विदेशी कोर्ट इस प्रकार की फटकार लगाती है, बड़े बड़े कांग्रेस नेताओं के नाम आ जाता है, तब स्वाभाविक रूप से सारे इन्वेस्टिगेशन की जो दायरा है ये बढ़ जाना स्वाभाविक है। जो 2013 में इन्होंने जो कंप्लेंट किया था तब इसको संज्ञान में नहीं लिया था सीबीआई ने, और जो मेन घोटाला है हेलीकॉप्टर घोटाला, अगस्ता घोटाला, उसको भी ठंडे बस्ते में डाल दिया। कांग्रेस तब सीबीआई की जांच का आदेश दिया था, ईडी का जांच का आदेश तब दिया था जब पूरी तरह चोरी पकड़ी गई, जब फिनमेकानिका की ऑफिशियल्स को वहां अरेस्ट किया गया इटली में। केवल ये भारत के जो हेलीकॉप्टर्स बेचे हैं 12 वीवीआईपी हेलीकॉप्टर्स, उसी कांड में जब पूरी तरह चोरी पकड़ी गई, पूरे विश्व के अखबारों ने ये छाप दिया भारत में घूसखोरी हो रहा है, एक बड़ा घोटाला हुआ है, तब इनके पास कोई चारा नहीं था, तब जाकर के इन्होंने एक फेस सेवर के लिए एक इंक्वायरी बिठाया। उस इंक्वायरी को किस प्रकार इन्होंने खुद इनको सबवर्ट किया, खुद इनको चलने नहीं दिया। ये कल से परसों से मीडिया में ये खबरें चल रही हैं, जिस प्रकार ईडी ने 8-9 महीने तक बिल्कुल कोई काम ही नहीं किया, एफआईआर तक नहीं मंगवाई, जब कॉपी आई एफआईआर की तब जाकर के उसको कहीं दबा दिया। तो नहीं तो जीवीएल उन्होंने कुछ नहीं किया। इसमें राजीव त्यागी मैं आऊंगा आपके पास, केवल लेकिन मुझे जीवीएल से सवाल पूछना है। जीवीएल मेरा सवाल सुन लीजिए, केवल इन्होंने कुछ नहीं किया। चलिए आपकी बात मान लेते हैं, इन्होंने कुछ नहीं किया। सर आपको तो 2 साल हो गया है, दो आप तब कर रहे हैं जब इटली की कोर्ट का फैसला आ गया, एसपी त्यागी से आज पूछताछ हो रही है, 2 साल तक क्यों नहीं हुआ कुछ? अब 2 साल तक कुछ नहीं हुआ ये आपका अजम्पशन है, आपको जानकारी नहीं है, क्योंकि 100 विटनेसेस को एग्जामिन किए गए, सीबीआई स्पेशल कोर्ट के कुछ लोगों को अरेस्ट भी किया गया इसी मामले में, खैतान को अरेस्ट किया गया इसी मामले में, नॉन अवेलेबल वारंट्स इशू किए गए इसी मामले में, रेड कॉर्नर नोटिसेस इशू किया गया बिचौलिया के खिलाफ, एक्सट्राडिशन ट्रीटी के लिए एक्सट्राडिशन ट्रीटी प्रोसीडिंग शुरू हो गए, ये सब क्या कुछ नहीं हुआ? चलिए ये वैसे ही हो जाता है क्या? ये जो कानूनी प्रक्रिया नहीं चलती तो ये सब नहीं होता, यानी आपके हिसाब से सारी सारी चीजें चल रही थी, लेकिन मिसेस गांधी का नाम, ठीक है बोलिए बोलिए जीवीएल बोलिए। नहीं कांग्रेस पार्टी के जब कोई तर्क नहीं होते हैं वो राजीव त्यागी जी को भेज देते हैं, मतलब कुछ भी कह के निकल लो, बस बहस से निकलना है बस, क्योंकि उनके पास तथ्य नहीं है। तथ्य यह है कि कांग्रेस पार्टी इसमें साजिश में, ये जो घूस कांड में कांग्रेस पार्टी का साझेदारी रही और जो ब्रोकर्स हैं उनके साथ उनकी सांठगांठ थी, तो इसलिए लगातार इतने सबूत मिलने के बावजूद फरवरी 2012 में वहां में मीडिया में, भारत की मीडिया में ये खबरें छपने के बावजूद,
उनसे डील करते रहे, जब पूरी तरह चोरी पकड़ी गई, जब उनको अरेस्ट किया गया, इनके पास कोई चारा नहीं था, तब मजबूरी में कुछ दिखावा दिखाने, कुछ दिखाने के लिए इन्होंने जांच की नाटक किया है। ये पूरा नाटक था और कुछ नहीं था। कांग्रेस इसमें पूरी तरह इन्वॉल्व रही पहले दिन से, पूरा डील ही फिक्स था अगस्ता के लिए, तो कांग्रेस की कॉन्स्पिरेसी इसमें रही है। ठीक, इट्स योर वर्जन, कांग्रेस की कॉन्स्पिरेसी इस पूरे मामले में रही है। राजीव त्यागी, मैं आपसे इस मामले का जवाब लूंगा, लेकिन राजीव त्यागी पर जाने से पहले राजीव रंजन, मैं आपको इस बहस में लाना चाहूंगा। नहीं, प्लीज, पहले उन्होंने मेरे पे व्यक्तिगत आरोप लगाया है, मेरे पे व्यक्तिगत आरोप लगाया। राजीव त्यागी, आपको पूरा मौका मिलेगा, आप व्यक्तिगत आरोप लगाया, आप उन आरोपों की सफाई दे सकते हैं, अपना पक्ष रख सकते हैं, लेकिन मुझे इस बहस को कंडक्ट करने दीजिए सर। मैं आपको पूरा मौका दूंगा और आपको आपसे वादा करता हूं, आप अपने बात कहिएगा वहां पे, लेकिन मुझे एक बात यहां पे पूछनी है राजीव रंजन आपसे, क्योंकि आप भी इस देश के एक बड़े पॉलिटिकल पार्टी हैं। ऐसा क्यों लगता है जब भी इस देश में कोई बड़ा घोटाला खुलता है और उसमें कोई भी बड़ी पार्टी अगर इस या उसकी टॉप लीडरशिप का नाम उस पूरे मामले में आता है, उस पर आरोप लगता है, तो ये पूरा मामला एक पॉलिटिकल वेंडेटा जैसा लगने लगता है, आरोप लगने लगते हैं कि दूसरी पार्टी पर ही आरोप लगा दिया जाता है कि ये पॉलिटिकल वेंडेटा है? क्या हम इसको पॉलिटिकल वेंडेटा के तौर पर देख सकते हैं, या ऐसे देखना चाहिए कि देश के साथ बहुत बड़ा एक धोखा हुआ है, भ्रष्टाचार हुआ है, चीट हुई है, और उसके लिए दोषियों को सजा मिलनी चाहिए? सीधी सी बात, चाहे कोई भी हो। देखिए गौरव जी, सबसे पहली बात तो ये है, अभी पूरी डिबेट से कई चीजें बिल्कुल साफ है कि अगर 2013 में इस पूरे मामले को सीबीआई और ईडी को सौंपा गया, जेपीसी बनाने की कोशिश कांग्रेस ने की, जिस तरीके से जो प्रॉपर्टी अटैच करने से लेकर के तमाम चीज़ों को, कुछ उसका हिस्सा आप कह सकते हैं कि 2014 में हुआ, बाकी चीज़ें 2013 में हुई, सरकार बने 2 वर्ष हो गए, अगर ईमानदारी के साथ इस पूरे घोटाले के लिए जवाबदेह लोगों तक सरकार की कोशिशें अगर पहुंचने की होती, तो निश्चित तौर पर ईडी और सीबीआई के जरिए जो इस पूरे मामले के लिए जवाबदेह लोग थे वहाँ तक वो पहुँच जाते। लेकिन पूरे प्रकरण में ये दिखता है कि इटली की कोर्ट में पहले जो फैसला आया और उस फैसले के बाद अपीलेट कोर्ट ने जो फैसला दिया, उस फैसले के इर्द गिर्द हिंदुस्तान की राजनीति घूम रही है, और इसकी पृष्ठभूमि इटली में तय हुई से दुर्भाग्यपूर्ण क्या है कि हिंदुस्तान के एक बड़े राजनीतिक घराने Absolutely. पर हमला करने के लिए आप इटली के कोर्ट के फैसले को आधार बनाए, और आप अपने दोनों एजेंसीज के जरिए जिन तथ्यों की पड़ताल कर सकते थे और एक सही निष्कर्ष पर पहुंच सकते थे, उसकी ओर जो आपकी लापरवाही है या अक्षमता है, उसके लिए देश से आपको माफी मांगनी चाहिए। ये एक गंभीर मसला है। अगर अपराध हुआ है तो अपराध के लिए जवाबदेह लोगों के खिलाफ नहीं, उक्ता सबूत। राजीव रंजन, मेरा एक ऑब्जर्वेशन है इस मामले में, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। जो आप जिस बात को कह रहे हैं, इस बात को मैं मानता हूं, लेकिन दूसरी बात, क्या आप इस बात को मानते हैं कि जिन्होंने घूस ली, जिन्होंने देश के साथ धोखा किया, जिन्होंने रक्षा सौदे में इतना बड़ा घोटाला किया, जिनके ऊपर आरोप लग रहे हैं, क्या उनको देश के साथ माफी नहीं मांगनी चाहिए? देखिए, सबसे पहली बात है कि किन को, जिन लोगों के खिलाफ अब तक मामले आए हैं उसमें जिनके बारे में जो चीजें हैं, निश्चित तौर पर उनके उनका नाम उजागर हो गया, लेकिन एक राजनीतिक परिवार पर अगर आप कोई गंभीर आरोप लगा रहे हैं, देखिए गौरव जी, मैं एक दूसरी बात कह रहा हूं, अगर आपने कोई आरोप लगाने की बात की है तो निश्चित तौर पर आपको पहले अपनी दोनों एजेंसी के जरिए पुख्ता सबूत ढूंढना चाहिए। अगर कोई आपके पास आरोप नहीं है तो ये शुद्ध राजनीति है। और देखिए, जिन राज्यों में आपकी सरकारें हैं, व्यापम से लेकर के ललित गेट से लेकर तमाम चीजों में जो कुछ आपका हुआ है, और जिस तरह से विजय माल्या को इस देश से बाहर जाने की जो स्थिति पैदा आपने कर दी, आपके तरफ भी उंगलियां उठ रही हैं कि सत्ता का दुरुपयोग आप लगातार कर रहे हैं, और आज जो कुछ भी है, क्या केवल एक पार्टी पर इस पूरे मामले का वाटरगेट कांड हुआ, दुनिया में इस मामले को दूसरे मामलों से जस्टिफाई किया जा सकता है? राजीव रंजन, आप जस्टिफाई कर रहे हैं, ठीक है, हम कह रहे हैं जो आप कह रहे हैं वो सही नहीं है, वो भी गलत है, लेकिन क्या किसी दूसरे एक गलत को दूसरे गलत से जस्टिफाई किया जा सकता है? सवाल यहाँ पर ये है। और इटली की इतनी बड़ी कोर्ट ने फैसला दिया है अगर, और इतने बड़े कांग्रेस नेताओं का नाम आया, और टॉप लीडरशिप सर, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट दोनों का नाम अगर आ रहा है, तो मामला गंभीर है कि नहीं? बारे में 2 वर्ष आपको मिले हैं गौरव जी, मैं वही तो पूछ रहा हूं भारतीय जनता पार्टी से कि 2 वर्ष मिले, आपने इन 2 वर्षों में सीबीआई और ईडी के जरिए जिन 2 बड़े नेताओं के नाम पर कीचड़ उछालने की कोशिश की, क्या पुख्ता सबूत आप ढूंढ पाए हैं? अगर नहीं ढूंढ पाए हैं तो कहीं ये बाकी जो इस देश में अब तक जो जिन राज्यों में जो घोटाले हुए हैं या जो कुछ भी ललित गेट या इस तरह के जो मसले, ठीक है, बहुत सारे मामले, और हम भी ये कहते हैं कि जो भी गलत हुआ है, कोई भी घोटाला हुआ है, कोई भी गेट है, उसकी जांच हो और दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। कोई नहीं बख्शना चाहिए, किसी को बख्शा नहीं जाना चाहिए, चाहे वो किसी पार्टी से हो, चाहे बीजेपी से हो, चाहे कांग्रेस से हो।
और इस मामले में भी दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। ऑगस्टा वेस्टलैंड जिसमें इस वक्त एक बड़ी पार्टी की टॉप लीडरशिप पर अगर आरोप लग रहे हैं, मैं आपके पास आऊंगा आर के मल्होत्रा, और आप इस पूरे मामले को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं, काफी दिनों से इस पूरे मामले को शुरू से कवर भी करते हैं और देखते हैं, आपका इस पूरे मामले पर अब क्या ऑब्जर्वेशन है सर? जिस तरह से इस पूरे मामले ने एक नया मोड़ लिया और एक बड़ी पार्टी की टॉप लीडरशिप पर पूरा मामला उठा, इटली की कोर्ट से लेकर और भारत की कंपनी तक में जिस तरह से हैशके पर आरोप लगा, आज ईडी को चिट्ठी का एक मामला सामने आया जो किरीट सोमैया ने लिखी है ईडी को कि हैशके और राहुल गांधी के जो सलाहकार रहे उनके बीच कारोबारी संबंध है, ये मामला काफी गंभीर हो चुका है। देखिए गौरव जी, अब होता क्या है कि एक प्रकरण जब शुरू होता है तो अलग अलग जैसे कई मूवमेंट्स होती हैं। अब क्योंकि ये राजनीतिक सवाल बन गया है तो हर एक राजनेता उस जगह से पकड़ रहा है जहां उसको सूट करता, लेकिन अब इसके मूविंग पार्ट्स को देखिए। सबसे पहले हमने शुरू कैसे किया ये मामला, हमने चाहे यूपीए की सरकार ने शुरू किया चाहे एनडीए की सरकार ने, इसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू कैसे हुई? शुरू इस वजह से हुई कि एक तो इटली की कोर्ट ने, लोअर कोर्ट ने संज्ञान ले लिया इसका, दूसरा एक एडमंड एलन है वो भी मिडिलमैन है इसी डिफेंस डील के लिए, उन्होंने एक चिट्ठी लिखी भारत सरकार को, रक्षा मंत्रालय को, कि साहब ऑगस्टा वेटलैंड में ये इस किस्म का घोटाला हुआ है, आप इसे इन्वेस्टिगेट करें। तो हमारा पहला डिफेंस मिनिस्ट्री का ये था कि साहब अब क्योंकि उनको डील दे दी, अब हजार किस्म के इस किस्म के लोग भेजेंगे, तो उस आदमी ने आपको 6 और डॉक्यूमेंट भेजे और उसने कहा कि ये देखिए इनकी जांच करा लीजिए डॉक्यूमेंट की, जिसमें हमारी सबमरीन की डील है, मिसाइल्स की डील है, और इन सब में घोटाले हो रखे हैं, और इस वजह से प्रूव होता है कि जो मैं कह रहा हूँ सही है। तो आपने क्या किया, उसके बाद उसको डॉक्यूमेंट्स की जांच कराने के लिए भेज दिया। आपकी एजेंसी ने कहा कि ये डॉक्यूमेंट सही है, ये क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट है, और जो आदमी बोल रहा सही बोल रहा। उतनी देर में इटली की लोअर कोर्ट ने ये कहा कि साहब एक ओवर इनवाइसिंग का केस है, जिसके हिसाब से ओवर इनवाइसिंग पे इनको सजा मिलनी चाहिए। ठीक है, ओवर इनवाइसिंग क्या मतलब, एक सस्ती चीज को आपने महंगे दाम अपने बुक्स में दिखाए हुए, तो ये घोटाला है, इसलिए आपको छोटी मोटी सजा दी जाती। फिर एपिलेट कोर्ट में गए, आपने सीबीआई और ईडी को कहा कि केस शुरू करें, लेकिन दिवाली तक कुछ नहीं हुआ, वो लोग बैठे रहे। और इतनी देर में आपने क्या किया कि जो दो आदमी मुख्य आरोपी क्रिस्टीन और हैशके, इनको आपने देश से बाहर जाने दिया, तो अब इसका मतलब प्रकरण में अब उनको वापस लाना पड़ेगा या उनसे सवाल पूछने पड़ेंगे।